हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद सागर। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड डे 13 चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग अपने जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और कल के जो लेक्चर में हमारा जो एरर आया था उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग को जैसे एरर्स मिले थे हमें, तो आज हम लोग सबसे पहले वो एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि कल हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एड इवेंट लिस्टनर लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और नीचे यहाँ पे जाके अभी अपना इवेंट लिस्टनर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कल हम लोग क्या लिख रहे थे मालूम, हम लोग सबसे पहले एक बटन नाम का एक वेरिएबल बना रहे थे और उसका नाम हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिख रहे थे, ठीक है। तो हमने कल हम लोग यही चीज लिख रहे थे, इसकी वजह से हमको एरर मिल रहा था, ठीक है। हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखना है इसके अंदर और फिर नीचे जाके हम लोग इस बटन को ओवर राइड करना। बटन के अंदर हम लोग अभी एड इवेंट लिस्टनर लगा देना, ठीक है। और एड इवेंट लिस्टनर के अंदर हम लोग इसके अंदर अभी कल हम लोग जो माउस मूव नाम का इवेंट लगा रहे थे वो हम लोग इसके अंदर लगाएंगे माउस मूव। और इसके अंदर हम लोग एबीसी नाम का एक फंक्शन कॉल कर देंगे जब भी माउस मूव नाम का इवेंट कॉल होगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे जाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं अभी, ठीक है। फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एबीसी नाम से एक फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा के अभी इसके अंदर हम लोग कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, ठीक है। अभी कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ठीक है। ई क्या करेगा बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं जाता हूँ और ए बी सी नाम के फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ मैं ई नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर दिया ई नाम से। अभी पेज को मैं करता हूँ सेव और यहाँ पे मैं जाता हूँ अभी अपना इंस्पेक्ट करके कंसोल को खोल लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे दबाता हूँ, कंसोल में आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ एक मिनट, और यहाँ से मैं जाता हूँ कंसोल में। अब मैं जैसे जैसे अपना माउस को देखो घुमा रहा हूँ और कंसोल में देखना है, ये मुझे पूरा माउस का जो इवेंट है, जो कि माउस मूव का जो इवेंट है, वो यहाँ पे मुझे कॉल करके दे रहा है। और इसके अंदर जैसे कि स्क्रीन का पूरा यहाँ पे डेटा उठ के आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू यहाँ से निकाल के दे रहे कि मेरे स्क्रीन की साइज कितनी है। ये पूरा माउस इवेंट से हमारा हो गया। अभी हमें इस इवेंट से करना क्या है, हमें इस इवेंट से सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं दो चीज बना लेता हूँ, ठीक है। पी टैग का मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे और पी टैग के अंदर मैं आईडी लगाता हूँ विथ नाम से, डब्ल्यू आई डी टी एस विथ। और यहाँ पे मैं सेम पी आई डी लगाता हूँ और यहाँ पे मैं हैश लगा के हाइट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट निकाल के इस पी टैग के अंदर मुझे डालना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ और जो मेरा विड्थ नाम का स्क्रीन की विड्थ है वो मैं निकाल लेता हूँ अपना स्क्रीन विड्थ। सबसे पहले मैं अभी टारगेट करता हूँ जो मैंने विड्थ और हाइट का जो मैंने पी टैग के अंदर आई डी लगा के बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसके अंदर मैं अभी अपना जो आईडी है वो डाल लेता हूँ विथ नाम से आईडी का और सेम ऐसे में हाइट के लिए भी करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइट और यहाँ पर मैं जाके कर दूंगा स्क्रीन हाइट, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोगों ने अभी टारगेट कर लिया है। अभी हम लोग को क्या करना है, स्क्रीन की विथ निकालना और स्क्रीन की हाइट निकालना है, ठीक है। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम लोग करेंगे गेट स्क्रीन विथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ई डॉट पेज एक्स, ठीक है, इतना लिखूंगा। और मैं जाता हूँ अभी कंसोल के अंदर CONSOL कंसोल डॉट लॉग और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट गेट स्क्रीन विथ और पेज को करता हूँ रिफ्रेश। और जब मैं यहाँ पे देखना जैसे जैसे मैं स्क्रीन की विथ यहाँ पे मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके एकदम कम हो गया, ठीक है।
लास्ट है 13:17 पिक्सल यहाँ पे, और जैसे मैं इस पे यहाँ से राइट साइड जाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन की विथ बढ़ के यहाँ पे 826 हो गई, ठीक है। ये अभी तो हम लोग ने स्क्रीन की विथ निकाल लिया, अभी सेम इसी तरीके से हम लोग स्क्रीन की हाइट निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं ई डॉट पेज वाई लिखूंगा और इसके अंदर अभी मैं सेट कर देता हूँ स्क्रीन हाइट, ठीक है। ये दो चीज हम लोगों ने निकाल लिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन विड्थ के अंदर इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी का, उस तरीके से हम लोग उसके अंदर अपना एचटीएमएल जो भी हमें वैल्यू मिला है उसको हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन स्क्रीन अंडरस्कोर विड्थ और उसके अंदर मैं इनर एचटीएमएल के अंदर डाल देता हूँ मैं ये वाली वैल्यू, ठीक है। गेट स्क्रीन विथ ये वाली वैल्यू मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और मुझे ये जो है ये एक नंबर मिला था, अभी मुझे इसके आगे इसको बताना पड़ेगा ये इसको हम पिक्सल में डालना है कि परसेंटेज में डालना है। तो मैं यहाँ पे पिक्सल में इसको डाल देता हूँ, कॉन्केटिनेट करता हूँ प्लस का साइन लगा के यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे अभी मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पे मैं अभी जाता हूँ, जैसे कि देख सकते हो तुम लोग 150 जैसे यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, मैं स्क्रीन के साइज बड़ा कर देता हूँ और अभी देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं एकदम कम किया 0 पिक्सल, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ 1400 पिक्सल यहाँ तक आ गया। मैं पेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं जैसे बढ़ाऊंगा यहाँ पे पूरा स्क्रीन की जितनी भी विड्थ रहेगी यहाँ तक हमें मिल जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे मैं अभी हाइट भी निकाल लेता हूँ, इसी तरीके से मैं हाइट को भी सेट कर देता हूँ। गेट स्क्रीन हाइट HEIGHT हाइट, और यहाँ पे मैं स्क्रीन की विथ के हाइट के अंदर भी अभी डाल देता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इनर एचटीएमएल का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेज को करते हैं सेव और मैं भी पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे भी जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं इसको कंसोल को बंद करता हूँ और मैं अभी इसको करता हूँ थोड़ा सा जूम, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी 0 पे रखा है, यहाँ पे एकदम दोनों अभी 0:0 पिक्सल है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से बढ़ाया विथ भी सेट हो गया और हाइट भी यहाँ पे हमें मिल गई है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी यहाँ पे एक चीज करता हूँ, मैं ये जो मेरा माउस है ये जो घूम रहा है मैं ये जो चीजें इसके माउस के ऊपर अपना लाना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब ये जैसे जैसे माउस घूमे उस माउस के ऊपर मेरा विथ और हाइट दोनों लिख के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ यहाँ पे और सबसे पहले मेरी जो ये विथ और हाइट है मुझे उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको राइट दोनों स्प्लिट कर लेता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पे मैं विथ और यहाँ पे मैं हैश हाइट दोनों की स्टाइलिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजिशन पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजिशन एब्सोल्यूट लिखूंगा और यहाँ पे मैं जाता हूँ और पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो दोनों एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है। अभी मुझे हाइट की थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ये हाइट इसके ऊपर दोनों चिपक के आ गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ हैश हाइट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप से, ठीक है, 30 पिक्सल नीचे घसीट लेता हूँ हाइट को अपने, तो ठीक है। जैसे ये ऐसा आ गया हमारा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इतना कर लिया, अभी हम लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इनर एचटीएमएल हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन की जो विड्थ है इसको हम लोग लेफ्ट, अरे इसके अंदर हम लोग स्टाइल लगाएंगे अपना HTYL स्टाइल डॉट। अभी हम लोग इसको लेफ्ट से कितना पिक्सल हम लोग इसको लेफ्ट से खिसकाएंगे, जितना पिक्सल ये है, ठीक है, जितना पिक्सल ये है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग उतना पिक्सल हट साइड लेफ्ट से हम लोग उसको हटाएंगे और यहाँ से हम लोग सेम हाइट का भी उतना पिक्सल यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको टॉप से, ठीक है। ये हो गया अभी स्क्रीन के बीच से, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो तुम लोग टॉप वाला आया नहीं, क्यों नहीं आया देख लेते हैं
स्क्रीन विथ स्टाइल लॉट ऑफ हाइट, गेट स्क्रीन हाइट। ठीक है, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, जैसे जैसे मैं अपना माउस को अभी घुमा रहा हूँ, उस हिसाब से ये हमारा विथ और हाइट यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है, सेम अभी हम लोग इसके लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, सेम कोड में यहाँ से कॉपी करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, सेम कोड में कॉपी करता हूँ, और मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, स्क्रीन विथ को हटा के अभी कर देना है स्क्रीन हाइट। ठीक है, और सेम इसी को भी मुझे नीचे भी लिख देना है स्क्रीन हाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी जब मैं पेज को करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखना ये दोनों अभी मेरे माउस के साथ दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसी कंडीशन बताता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, इफ की कंडीशन में मैं क्या लगाता हूँ, इफ ई डॉट पेज, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मैं तुम्हें पहले ई डॉट हमारी जो पेज एक्स की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कंसोल हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे मेरी स्क्रीन की विथ यहाँ पे मुझे निकाल के दे रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मेरी स्क्रीन की विथ मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जैसे इसको 200 से अंदर निकल जाता हूँ, इसके स्क्रीन के विथ के जो टेक्स्ट लिखा है ये रेड कलर में हो जाए। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन लगाता हूँ, इफ पेज एक्स विल बी लेस देन 200। ठीक है, जैसे ये 200 से कम जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन विथ के अंदर मैं स्टाइल लगाता हूँ, HTML स्टाइल डॉट कलर, और मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, एल्स में हमारा जो चलेगा ये सेव, इसको मैं कर देता हूँ, अगर इसकी विथ 200 से ज्यादा रही तो कलर कर देना ग्रीन। ठीक है, पेज को करते हैं सेव। यहाँ पे जाके अभी हम लोग करते हैं इसकी टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे अभी ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको 200 पिक्सल से नीचे लेके जाऊंगा, यहाँ पे इसका कलर हो गया रेड, और जैसे इसके यहाँ से ये 200 पिक्सल से ज्यादा जाएगा तो यहाँ पे इसका कलर हो जाएगा सेम ग्रीन। ठीक है, ये सेम चीज हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, हाइट के लिए भी। अगर मैं यहाँ पे ई डॉट पेज वाई लिख देता हूँ और इसको भी मैं कर दूंगा, अगर ये 200 पिक्सल से नीचे जाएगा तो सेम उसके लिए भी ये सेम चीज कर दिया जाए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं स्क्रीन येलो डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हाइट में भी डाल लेता हूँ, अगर इसकी स्क्रीन की हाइट जो है कम रहेगी तो यहाँ पे इसको येलो कर दे, और सेम जब ये 200 पिक्सल से ज्यादा रहेगा मतलब एल्स पार्ट में आएगा तो ब्लू कर दे। ठीक है, इसको करता हूँ मैं सेव, यहाँ पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे ये अभी 200 पिक्सल से कम हुआ तो इसका कलर हो गया येलो, हाइट का और विथ का हो गया 135, मतलब 200 पिक्सल से कम गया तो रेड हो गया, और जैसे ये बढ़ेगा तो दोनों का कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को, मुझे ये एड इवेंट लिस्टनर से ये समझाना था कि कैसे हम लोग स्क्रीन की विथ और हाइट को पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी विथ को कम करूंगा तो यहाँ पे देखना ये मुझे बता दे रहे कि यहाँ तक अभी स्क्रीन की विथ 472 पिक्सल, इस तरीके से मुझे बता दे रहा हूँ, मतलब जितना भी इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव किस स्क्रीन पे है, और उस हिसाब से हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया कैसे हम लोग स्क्रीन की विथ और हाइट एड इवेंट लिस्टनर की मदद से हम लोग चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया, हम लोग का जो कल एरर आया था उसको तो हम लोग ने यहाँ पे अभी रिसॉल्व कर लिया है। ये सेम कोड को मैंने अपने गिटहब पे भी अपलोड कर दिया हूँ, वहां से तुम लोग इसकी प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है, डे 13 का। तो आज हम लोग देखने वाले कि क्रिएट मेथड क्या है, अपेंड चाइल्ड क्या होता है, और इंसर्ट बिफोर, ये सारे चीजें क्या होती है। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए क्या क्या मेथड थे वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं,
और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि क्रिएट करने के तीन मेथड्स है, ठीक है। अगर हमें कोई चीज क्रिएट करना है तो सबसे पहले आते हैं, अगर हमें कोई टैग क्रिएट करना है तो उसके लिए आते हैं क्रिएट एलिमेंट, और हमें कोई अगर जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई टेक्स्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आते हैं क्रिएट टेक्स्ट नोड, और अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट की मदद से कमेंट क्रिएट करना है कोई तो उसके लिए आते हैं क्रिएट कमेंट मेथड, ठीक है। तो आइए ये तीनों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। हमें अगर कोई एलिमेंट बनाना है तो यहाँ से मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल नेम दे देता हूँ मैं क्रिएट एलिमेंट नाम से। अरे सॉरी यार, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्रिएट एलिमेंट के अंदर अभी यहाँ पे मैं देता हूँ गेट एलिमेंट, और सॉरी 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 गेट एलिमेंट आईडी नहीं, हमें एलिमेंट क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे मैं देता हूँ डोम की मदद से, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, अभी हमें उस मेथड का नाम लिखना है। क्या मेथड का नाम है? क्रिएट, CREATE, क्रिएट क्या क्रिएट एलिमेंट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर हमें कौन सा एलिमेंट हमें बनाना है उस एलिमेंट का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है H2 टैग, ठीक है, तो यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूँ, और यहाँ मैं नीचे जाके कंसोल कंसोल्ड कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, और न्यू एलिमेंट को मैं अपने कंसोल के अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। पेज को करता हूँ मैं सेव, यहाँ पे मैं जाता हूँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ से अभी हमें जाना पड़ेगा कंसोल में, ठीक है। कंसोल में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अभी पेज को करते हैं सेव, और यहाँ पे हमारा डे 12 ओपन है, तो इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से मैं इसको वापस से ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ अपने डे 13 को, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डे 12 को बंद करता हूँ, और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट को खोलता हूँ अपने, ठीक है, और यहाँ से मैं इंस्पेक्ट खोलने के बाद कंसोल में जाता हूँ, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा H2 टैग यहाँ पे हमारा बन के रेडी है। अगर मुझे कोई भी अपना एक डिव बनाना है तो हम लोग यहाँ से डिव भी बना सकते हैं, हमारा डिव रेडी हो गया। अगर हमें कोई पैराग्राफ टैग बना है तो हम लोग यहाँ पे प्री लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है, प्री टैग हमारा बन के रेडी हो गया। अगर मुझे कोई एंकर टैग बनाना है तो एंकर टैग भी बन जाएगा हमारा, ठीक है, ए टैग। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं पी टैग बनाता हूँ, ठीक है, पी टैग। अभी हम लोग ने देख लिया कि एलिमेंट को कैसे बनाते हैं, ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं कि कैसे अभी हम लोग एक टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर न्यू टेक्स्ट नाम से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट वेयर टेक्स्ट, न्यू एलिमेंट उसमें है क्या हुआ, ऊपर वाला, एक बार और समझाना। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ऊपर वाले में क्या है, हमें सबसे पहले क्रिएट मेथड का इस्तेमाल करना है। क्रिएट मेथड के इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम लोग एक एलिमेंट बना सकते हैं, एक टेक्स्ट नोड बना सकते हैं, और एक कमेंट बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट से हम लोग कोई भी टैग बना सकते हैं, कोई भी टैग नेम बना सकते हैं, ठीक है। टैग किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मुझे अगर कोई डिफ टैग बनाना है तो मैं सिंपल इस तरीके से बना सकता हूँ डिफ टैग, ठीक है, और अगर मुझे कोई H2 टैग बनाना है, ठीक है, तो हम लोग H2 टैग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, पेज को करता हूँ मैं सेव, तो रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे हमारा H2 टैग बन के रेडी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग ने एलिमेंट कैसे बनाना है वो देख लिया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट, टेक्स्ट एलिमेंट हो या एंकर टैग हो या H2 टैग हो, H1, H2, H3, कोई सभी टैग हो, हम लोग इस क्रिएट एलिमेंट मेथड से यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि उसके लिए हम लोग कैसे टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट टेक्स्ट नोड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर सिंपल मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे दिस इज सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। पेज को करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले इसको कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग,
और यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट को करता हूँ प्रिंट कंसोल के अंदर, ठीक है, पेज को किया सेव, यहाँ से किया रिफ्रेश, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हमारा एस्ट्रो टैग यहाँ पे जो पहला वाला था वो बन के आ गया, और उसके नीचे हम लोग ने जो टेक्स्ट नोड बनाया दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट वो बन के आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट नोड बना सकते हैं। अभी हम लोग को कमेंट कैसे बनाना है, ठीक है, तो कमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं न्यू कमेंट नाम से, सिंपल वही मेथड वही तरीका, डॉक्यूमेंट लिखेंगे उसके अंदर क्रिएट कमेंट लिखेंगे, और उसके अंदर हमें जो भी कमेंट देना है वो हम लोग दे सकते हैं, जैसे दिस इज जस्ट कमेंट, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे मैं जाता हूँ पेज को करता हूँ अभी कंसोल में, सबसे पहले मैं जाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू कमेंट को कर देता हूँ कंसोल में प्रिंट, ठीक है, ऐसे दिस इज जस्ट कमेंट, जैसे कमेंट का जो टैग रहता है वो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क हाइफन हाइफन फिर एंडी क्लास का हाइफन हाइफन ग्रेटर देन की साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट कैसे बनाते हैं और कमेंट कैसे बनाते हैं वो देख लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जैसे जो हम लोगों ने एलिमेंट बनाया है, अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने एक टेक्स्ट बनाया इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी तुम लोग सोच रहे हो कि इसके लिए तो हम लोग इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन ये तरीका नहीं अपनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम लोग को बताऊं, यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले जो ये मेरा न्यू एलिमेंट था इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं इसका इनर एचटीएमएल अगर मैं सेट करूँ उसके अंदर मैं डाल दूँ ये न्यू टेक्स्ट को, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट टेक्स्ट बता रहे, ठीक है, हमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में बता रहे, ठीक है, तो ये तरीका यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। इसको इसके अंदर हमें सेट करने के लिए जो हम लोगों ने नया टेक्स्ट बनाया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको अगर हमें इसके अंदर डालना है तो हमें यहाँ पे एक तरीका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंड चाइल्ड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरा दूसरा इमेज है इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को एक टैग के अंदर डालना है मतलब अपेंड करना है तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपेंड चाइल्ड का, ठीक है। अपेंड चाइल्ड क्या करेगा, जो टैग है उसके अंदर उसको अपेंड करने का काम करेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं आइए उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले अभी मुझे किसको अपेंड करना है, ठीक है, मुझे न्यू एलिमेंट के अंदर, ठीक है, न्यू एलिमेंट के अंदर डॉट लगाना और अपेंड चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल करना, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर आना है कि हमें क्या टेक्स्ट इस न्यू एलिमेंट के अंदर डालना है। न्यू एलिमेंट के अंदर न्यू एलिमेंट को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये मिलता है, ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या अपेंड करना है, सिंपल जो हमारा न्यू टेक्स्ट है, ठीक है, जो हम लोगों ने नया टेक्स्ट बनाया है उसको अपेंड करना, ठीक है। और हमें इसके लिए अभी कंसोल लॉग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके अंदर ही ये अपेंड होके मिल जाएगा। पेज को करना मैं सेव, ठीक है, और यहां से मैं जाता हूँ पेज को करता हूँ सेव, और यहाँ पे हमारा जो सिंपल जो हमारा टेक्स्ट था वो हमारे एस टू टैग के अंदर अपेंड होके मिल गया है, ठीक है। अभी अगर हम लोग ने तो इसको भी कंसोल के अंदर प्रिंट करना, ठीक है, ठीक है। अभी अगर मुझे हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना है तो कैसे है, यहाँ पे मैं डिव एक डिव बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने आईडी दे दिया हूँ टेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर अपेंड होना, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ टारगेट नाम से, और मैं सबसे पहले उस टेस्ट नाम के आईडी को यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और अभी मुझे क्या करना है, टारगेट के अंदर मुझे इस टारगेट के अंदर, ठीक है, जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एलिमेंट के अंदर मैं गया और यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे और बॉडी के अंदर जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरा एक आईडी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ टारगेट के अंदर मैं अपेंड चाइल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा अभी न्यू एलिमेंट बन के रेडी हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने अपेंड चाइल्ड का इस्तेमाल किया कि हम लोग एस टू टैग के अंदर जो हमारा टेक्स्ट बना था न्यू टेक्स्ट उसको डालने के लिए हम लोग ने अपेंड चाइल्ड का इस्तेमाल करे। अभी हम लोग अपेंड चाइल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हमारा टारगेट है जिसको हम लोग ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से टारगेट किए, इसके अंदर हम लोग अपेंड करने का इस्तेमाल कर रहे हैं टारगेट डॉट गेट अपेंड चाइल्ड, और ये न्यू एलिमेंट जो हमें यहाँ से हम लोग ने जो न्यू एलिमेंट अभी हम लोग को जो अपेंड होके मिल रहा है जो कि इधर पे है हमारा कंसोल पे, मैं दबाता हूँ
यहाँ पे हमारा जो है H2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले एलिमेंट के ऊपर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमारा डिफ आईडी टेक्स्ट को ध्यान से देखना है। जैसे मैं पेज को करूंगा रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं जाता हूँ अभी बॉडी को ओपन करता हूँ, और मैं डिफ डॉट आईडी जो आईडी टेक्स्ट है इसके अंदर अभी एक एलिमेंट है, यहाँ पे एरो पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे H2 टैग की मदद से यहाँ पे दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे हमारा अपेंड होके आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो कोई H1 टैग भी बना सकता हूँ, मैं H1 टैग लेता हूँ, H1 टैग भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना div dot id text यहाँ पे H1 टैग बन गया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर चाहता हूँ कोई div लगाना तो सिंपल है, हम लोग इसके अंदर भी एक div भी लगा सकते हैं, div id text और यहाँ पे div, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम लोग अपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड चाइल्ड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं H2 टैग लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी तो हम लोगों ने अपेंड करना देख लिए कैसे उसको अपेंड करते हैं, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ मैं, और पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले एक नट, यहाँ पे मैं पी टैग लगाता हूँ, और पी टैग के अंदर मैं सबसे पहले डमी कंटेंट डाल देता हूँ 200 वर्ड्स का, ठीक है। पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, और यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 200 ऑफ वर्ड्स का एक टेक्स्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल है, लॉरियम लिस्टन का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, डमी कंटेंट के लिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं अपेंड चाइल्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये जो मेरा डिव है हमेशा उसके एंडिंग में ही मेरा चाइल्ड को अपेंड करे। जैसे मैं यहाँ पे अगर H5 है, और यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिख दू, ठीक है, तो ये सिंपल जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा लास्ट कंटेंट है उसके बाद ही ये अपेंड कर रहा है। पर लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से ये जो मेरा एकदम ये जो कंटेंट है एकदम टॉप पे ये मेरा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, जो मैंने जिससे सिंपल टेक्स्ट लिखा हूँ ये सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट बिफोर का। इंसर्ट बिफोर क्या करते हैं कि हमें उसके अंदर बताना पड़ता है कि हमें किस एलिमेंट से पहले हमें इस टेक्स्ट को जो टेक्स्ट है उसको डालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसका एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल मैं ये टारगेट को ही लेकर चलूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि टारगेट डॉट इंसर्ट बिफोर, अभी इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, सबसे पहले हमें किस टेक्स्ट को डालना है, ठीक है। तो हम लोग ये न्यू एलिमेंट को लेकर चलते हैं, इसके अंदर हमारा टैग नेम के साथ है पूरा। तो यहाँ पे न्यू एलिमेंट किस टेक्स्ट को डालना है वो हम लोग ने ले लिया, कौन सा एलिमेंट को डालना है हमको, ये दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट और H1 टैग के साथ हमें पूरा डालना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे ले लिया। पहला ये हो गया किस कंटेंट को डालना है, वो पहला पैरामीटर आ गया। दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा, दूसरा पैरामीटर हमें ये डालना है कि हमें किस टेक्स्ट से पहले, मतलब किस एलिमेंट से पहले डालना है, हमें ये पैराग्राफ टैग से पहले डालना है कि हमें ये जो हम लोगों ने अभी H5 टैग बनाया है इससे पहले डालना है, किस एलिमेंट से पहले डालना है। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, सबसे पहले मैं जाता हूँ ये टारगेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तुम लोग को ये चाइल्ड नोट्स जो मैंने चाइल्ड नोट प्रॉपर्टी अरे मेथड बताया तो वो तो पता ही होगा ना, जो हमें रिटर्न में देता है हमारा क्या बोलते हैं, अरे पूरा वो रिटर्न में देता है, एरे के फॉर्मेट में बता देते कि इसके अंदर कितने चिल्ड्रन है। इस कली कली के लेक्चर में हम लोग ने देखे थे चाइल्ड नोट, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो मैं टारगेट के अंदर पता लगाता हूँ कि मेरे जो जो चाइल्ड यहाँ पे CH चाइल्ड नोट्स, ठीक है, अभी ये जो टारगेट डॉट चाइल्ड नोट्स है, ठीक है, ये हमें क्या रिटर्न मिलेगा, एक मिनट, हाँ, ये जो हमारा टारगेट डॉट चाइल्ड नोड है ये हमें एक एरर रिटर्न देता है, ठीक है। ये जो टारगेट डॉट चाइल्ड नोड है ये हमें इसके अंदर हमें पोजीशन हमें बताना है, हम लोग चाहते हैं कि जीरो इंडेक्स क्या रहेगा हमारा, एकदम टॉप पे, ठीक है। वन इंडेक्स पे हमारा आ जाएगा पैराग्राफ, सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा हमारा ये H5 टैग। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे console.log और यहाँ पे
कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या करता हूँ, टारगेट डॉट क्या हमारा चाइल्ड नोट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेज को करता हूँ सेव, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंस्पेक्ट हो गया। कंसोल में मैं जाता हूँ और यहाँ पे कंसोल के अंदर जैसे कि नोड के अंदर 6 एलिमेंट आ गए। 6 क्यों आ गए? सबसे पहले हमारा टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर क्या देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल देखे थे एक ब्रेकिंग लाइन लगा और स्पेस लगाए, ठीक है। और सेम ऐसी उसके बाद हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे पी टैग, फिर सेकंड पे टेक्स्ट मतलब वही ब्रेकिंग लाइन और स्पेस होगा, और फिर H5 टैग और ये टेक्स्ट, और उसके नीचे H2 टैग जो हम लोग ने अभी अपेंड करा है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो पी टैग है, इससे पहले पी टैग हमारे कौन से इंडेक्स पे है शानवर्स? 1 पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं अभी कमेंट, और यहाँ पे मैं जाता हूँ इसको करता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टारगेट डॉट इंसर्ट बिफोर क्या करेगा, हमारे जो एलिमेंट हमारे जो बनकर रेडी हुआ है, इसको इस पोजीशन के ऊपर, ये जो पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, जो टैग आ रहा है हमारा, जैसे पी टैग आ रहा है, इससे पहले हमारा जो एलिमेंट है जो बनकर रेडी हुआ है उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। जब मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं जाता हूँ पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे जैसे कि हमारे फर्स्ट पोजीशन पे अभी ये आ गया, ठीक है। पी टैग हम लोग ने दिया था, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये जो शादाब लिखा है इससे पहले आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले इसको करता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पे अभी जो H5 टैग है, ठीक है, ये वाला H5, ये वाला H5 टैग जो हम लोग ने अभी टारगेट करा, ठीक है, जो ये जो शादाब लिखा है ये कौन से पोजीशन पे है हुजैफा, ठीक चौथे पे। है। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो H5 है जिसके अंदर लिखा है टेक्स्ट आदाब, इससे पहले हम लोग ने जो टेक्स्ट एलिमेंट बनाया है, ठीक है, उससे पहले आए, ठीक है, शादाब से पहले लिख के आए और पी टेक के बाद आए, ठीक है। उसके लिए हम लोग फोर्थ पोजिशन इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे सिंपल, एक मिनट पेज सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक मिनट, पोजीशन 4 H2 टैग, हमारा H5 यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन पे जाना पड़ेगा। सॉरी, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है हमारा H5? जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये शादाब कौन से पोजीशन पे, अभी थर्ड थर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थर्ड पोजीशन देता हूँ, और यहाँ पे अभी ये उससे पहले आ गए, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इसको करता हूँ बंद, ठीक है। ये समझ में आया ना, अगर हम लोग कोई सा भी पोजीशन दे दे उस पोजीशन से पहले वो हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं तुम लोग को समझ में आया कैसे होता है, कैसे एलिमेंट को बनाते हैं, कैसे एलिमेंट के अंदर हम लोग टेक्स्ट ऐड कैसे कर सकते हैं, कैसे एलिमेंट, अरे हम लोग एक नया कमेंट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, और कैसे जो हम लोगों ने एलिमेंट्स बना है उसको हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर कैसे उसको अपेंड कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं, और कैसे हम लोग उसके पोजीशन के हिसाब से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, ये आज हम लोगों ने ये चीजें देखी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट के टॉपिक्स रहेंगे हमारे मूवी ऐप, और एक रहेगा हमारा क्विज ऐप। तो सबसे पहले हम लोग बनाना देखेंगे कैसे हम लोग क्विज ऐप बना सकते हैं, फिर उसके बाद जो आने वाला वीडियो रहेगा उसका नंबर हम लोग कैसे अपना मूवी ऐप बनाते हैं वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।